वेलकम टू बिकलेट सा जमाई बाबू। अभी मैं हूँ निर्मला कॉलेज के पास। ये कहाँ पे? कांदीवली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे कांदीवली। और मैं चिन्मय है और मेरे साथ है मेरा दोस्त। और एक बार ये देखो वो बाइक सेट कर रहा है निर्मला। हेलो नमस्कार, वेलकम टू बॉम्बे, वेलकम टू कांदीवली आउट। एक प्लेट अभी देखो बोल रहा है कि एक प्लेट, मैं पूरा एक प्लेट खाऊंगा। अभी बोल रहा है इधर, बोल रहा है इधर का फेमस है। दादा तुम्हाला किती वर्ष झाले इकडे काम करून? मला 14 वर्ष मिसळ बनवतो। मला काही वर्ष अगोदर माहिती पडलं, सॉरी आवडलं म्हणून आलं इकडे। आणला कोलकातावरून आलं इथे। अभी देखो वो साइड में अलग से रखा है, उसको प्याज भी डाला गया है और दिस इज वेरी स्पाइसी फूड। इसके ऊपर कांदा डाला गया है। ये फरसान है, मोस्टली फरसान रहता है। ये अभी फिलहाल तो सेव है। तो ये कहाँ पे ज़्यादा खाया? नहीं नहीं, ये सेव नहीं है, फरसान। कहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है ये? मोस्टली ये खानदेशी साइड का फूड है। खानदेशी अभी उसका ओरिजिन्स काफ़ी अलग है, आप विकिपीडिया कर लो जो भी है। बट मोस्टली इट्स फेमस इन पुणे और कोल्हापुर। अच्छा, वो काफी मतलब मैं बोल सकता हूं कि महाराष्ट्रियन फूड बोल सकता हूं। या इट्स जस्ट एक्चुअली महाराष्ट्रियन मिड डे मील और अर्ली मॉर्निंग स्नैक्स भी कह सकते हैं। अभी भी हम नाश्ते ही करने हैं। अच्छा, तो ट्राई करो। तो अभी निर्मय ने बोला कि ज़्यादा अच्छा है, फेमस है, तो इसलिए मैं आ गया। मैं अभी ट्राई करूँगा। और यहाँ पे मतलब सुबह के टाइम में सुबह का काइंड ऑफ स्नैक्स है यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, अभी शायद यहाँ पे कॉलेज भी है ना? निर्मला कॉलेज और ठाकुर पॉलिटेक्निक भी है। अच्छा, ठाकुर पॉलिटेक्निक भी है, निर्मला कॉलेज भी है बाजू में। तो अभी जब इस तरफ आओगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा काम था, तो निर्मय ने बोला कि यहाँ पे एक अच्छा मिसल मिलता है, मिसल पाव। अरे दिस इज़ वेरी स्पाइसी टाइप, मैं भी टेस्ट करूँगा। मैं पहले मिसल टेस्ट करता हूँ सिर्फ। क्या है वो? सच में अच्छा है। इतना तीखा लगा बस? थोड़ा तीखा है, पाव के साथ खाया जाता है। आना जरूर, एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट नीचे ही है ये। तो कांदिवली के तरफ मोस्टली निर्मला कॉलेज के यहाँ पे आप जब आओगे, यहाँ से लेफ्ट लोगे तो एकदम कॉर्नर पे ही है। एंड यूजुअली मिसल के साथ छाछ दिया जाता है। यहाँ पे हम छाछ भी खाएंगे, बट इनके पास अभी है नहीं। और जो थोड़ा ज़्यादा तीखा लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा तीखा लग रहा है, तो इसके ऊपर आप नींबू भी जोड़ सकते हो। थोड़ा सा तीखापन कम हो गया, तीखापन कम करने के लिए पसीने छूट रहे। वेलकम टू बॉम्बे और कॉल इट कांदिवली। दोनों पाव तो मैं खाया, खा गया। निर्मय क्या खाएगा? मैं एक ही बाइट खाऊंगा, ज़्यादा नहीं। वो वैसे मैं बोलूँ ये इसमें मटर रहता है तो अच्छा है। किस तरफ से मतलब एक मिसल पाव खा लोगे, दो पाव के साथ एक मिसल खा लोगे तो आप चार तीन चार घंटे तो रह सकते हो आराम से। दैट इज़ वेरी टेस्टी। यहाँ पे मतलब फेमस है, निर्मय जो बता रहा था कि यहाँ पे बहुत फेमस मिसल मिलता है, सच में बहुत टेस्टी है। एंड बेस्ट पार्ट है कि ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, तो यहाँ पे कोई भी आके खा सकता है। ये पर प्लेट कितना है? हाँ, डू हैव एनी आइडिया? पर प्लेट काका, पर प्लेट कितनी प्राइस है? 45। ओनली 45? ये सुबह कितने बजे से कितने बजे तक है सर? 7 बजे चालू हो जाता है। अच्छा,
शाम को 5 बजे तक। अच्छा, उससे पहले ख़त्म होगा तो भी जल्दी भी ख़त्म, 4 बजे। तो कोशिश करना एकदम सुबह आ रहे हो। अभी निर्मल खाएगा एक्चुअली ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया सो। अच्छा अच्छा, स्कूल से खाया तो मतलब इंडिया का नहीं है। अच्छा, म्हणजे कमी स्पाइसी पण बोलू शकतो। सो बेसिकली ये कह रहा है कि हमारे पास ऑप्शन भी था कम स्पाइसी का। अच्छा, जो कि हमें पता नहीं था। अच्छा, मुझे भी आज मालूम पड़े कि ऑप्शंस है हमारे पास। सो अच्छा, मतलब जो लोग तीखा मतलब जो लोग तीखा कम खाते हैं तो वो खा सकते हैं ना। या कम तीखा, तो ये इन्होंने स्पाइसी वाला दिया है क्योंकि ओरिजिनल जो है वो एक्चुअली स्पाइसी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, और देखो ये ह्यूज अमाउंट में बन रहा है ये, है ना, और ये काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड है तो ये खा सकते हैं। मतलब महाराष्ट्र में आए और मिसल नहीं खाए तो ऐसा नहीं, कोई नहीं सकता। सो मिसल पाव यूजुअली मुझे जो लगता है काफ़ी न्यूट्रिशियस है क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्सचर रहता है, यानी मूंग बोलो और फिर ये वाइट चना है। ये कोल्हापुरी मिसल है ना? हाँ, कोल्हापुरी मग पुणेरी आणि कोल्हापुरी मिसळमध्ये काय डिफरन्स आहे? पुणेरीमध्ये मटकीची असते। अच्छा, त्यामध्ये नारळचा मसाला असतो, ह्याच्यामध्ये नारळ असतो। कोल्हापुरी ओरिजिनल कोल्हापुरी मसाला असतो, पुणेरीचा अलग मसाला असतो। पुणेरी क्या बोला, थोडा एक्सप्लेन करो। पुणे मे जो मिसळ मिळतं उसमें रहता है मटकी, मटकी यानी क्या, स्प्राउट। हाँ, और उनका पुनेरी मसाला रहता है, जैसे हर एक जगह का अलग अलग मसाला है। जैसे मालवण साइड का मालवणी मसाला, अजून कोणते वेगळे मसाले असतात? असे खानदेशी पण आहेत ना काही? हां, खानदेशी असतात। हे कोल्हापुरी खानदेशी? कोल्हापुरी खानदेशी। अच्छा, कोल्हापुरी खानदेशी। सो बेसिकली ये कोल्हापुरी खानदेशी मसाले से बना हुआ है और ये मोस्टली वाइट चना में उबाल के वगैरह मसाला सब फ्राई करके बनाया जाता है। अब आएगा ना मज़ा। वीडू क्या हो, मुंबई आओगे तो मिसल पाव, मिसल पाव खाना मत भूलना, भूलना मत। मिसल पाव, वड़ा पाव और पता नहीं और बहुत सारे वेराइटीज है। हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ब्लॉग मिसल पाव और वड़ा पाव का अभी ब्लॉग लेके आऊँगा बहुत जल्द। क्या फिर पसीने छूट रहे हैं? और स्पाइसी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस है, अगर आप टिका कम खाते हो तो आके बता सकते हो, तो मीडियम स्पाइसी भी मिलता है। काफ़ी टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी है। नहीं, मैं खा रहा हूँ, 4 पाव खा चुका हूँ मैं। हाँ, इन द स्केल ऑफ 10 अब तक आपने जितना भी तीखा खाना खाया है ये कितना तीखा लग रहा है? काफ़ी तीखा है। इन द स्केल ऑफ 10 व्हाट डू यू रेट इट? 10, 9, 7, 8 व्हाट? मेरे हिसाब से 9 है। अपने मुंबई की ओळख आणि कोल्हापुरी की शान, कोल्हापुरी मिसळ। इधर आया और लास्ट में छाछ नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मतलब इधर जब भी आओगे तो छाछ जरूर पीना। इट्स अ ह्यूज रिलीफ, मतलब इतना तीखा जो नहीं खाता है डेफिनेटली छाछ लिया करो, और अगर तीखा खाते भी हो ना भी खाते हो, मिसल के बाद छाछ पीना बहुत ही ज़रूरी है, ऐसा समझ लो। जनहित में जा रही है, देखे ले चो। जब भाई बाबू, ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिसल वाला ब्लॉग, शॉर्ट एंड स्वीट वन। तुम देखते रहो विकलेटचा। मी चिन्मय आहे और ये आणि मी निर्मय, तुमचा मुंबईचा साउंड इंजिनियर। टाटा, बाय बाय, सी या विकलेटचा।